हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल में दो बड़े कार्यक्रमों में शिरकत की। नायब सिंह सैनी शाम को हेलीकॉप्टर से नेवल हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर भाजपा विधायकों प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और पुलिस की ओर से उन्हें सलामी भी दी गई। यहां से सीएम सीधे प्रेम नगर में कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर कांग्रेस नेता हरजीत संधू उर्फ लाडी संधू को सीएम ने पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा ज्वाइन करवाई। इस दौरान एडवोकेट अंग्रेज पन्नू समेत सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। इसके बाद सीएम यहां से छठ महापर्व कार्यक्रम में पहुंचे। करनाल से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। जबरदस्त आवाज है, भर करनाल का बड़ा आशीर्वाद मिला है, पीछे भी मिला है आगे भी मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। भारत माता की, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे बीच में आज हमारे हरजीत सिंह जी संधू लाडी साहब ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले तो संधू साहब का भारतीय जनता पार्टी में आने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं और पूरे साथियों का करता हूं। इनके साथ हमारे अंग्रेज सिंह जी पन्नू साहब, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। मैं पूरी टीम का भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी, असंध के हमारे लोकप्रिय विधायक योगेंद्र राणा जी, इंद्री के हमारे विधायक राम कुमार कश्यप जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष ब्रिज गुप्ता जी, रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे करनाल की मेयर संजय भट्टला जी, राजेश अग्गी जी, हमारे सिर जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, उनसे धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद इसलिए भी करता हूं, करनाल ने लगातार नॉट आउट होते हुए भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल यहां लगातार खिलाने का काम कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।